बेसिकली धाम इज एन इमोशन. हिमाचली खाना मेरे को टोटली एक इमोशन लगता है. आई प्रेफर कि अगर मैं धाम में जा रही हूँ तो इंस्टेड ऑफ मुझे वो गोल वाली अभी जो पत्तन चल पड़ी है वो ना देकर अगर मुझे हरी वाली उस पत्तल में जिसमें वो अच्छे से सिला हुआ है, वो मतलब वो फीलिंग है. पंकज इज द वन हु एप्रिशिएट्स ऑल दीज थिंग्स. ही इज द ओनली मोटिवेशन जिन्होंने मुझे वहाँ भी भेजा, जिन्होंने मुझसे नूर शॉर्टफॉट भी शुरू करवाया, जिन्होंने मुझे बोला कि खाना अगर खुद इतना अच्छा बनाती हो तो लोगों को भी जानने का हक है कि आप कैसे बनाते हो. मैं ये कहना चाहूँगी सभी को ही कि अगर सपोज आपको कभी हारा हुआ महसूस हो भी रहा है ना, तभी भी आपको अपने जो स्पिरिट्स हैं उनको हाई रखना पड़ेगा और उस चीज़ को अलाइव रखिए. जो भी आपका पैशन है, भले आप उससे ज़िंदगी भर ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपने उसको किसी कोने में अलाइव रखा है ना, तो आपकी लाइफ बहुत लाइवली होने वाली है. आप खुश हो, आप फिर भी भगवान का धन्यवाद करो इस लाइफ के लिए कि एटलीस्ट मेरे पास वो सांसें हैं जो शायद वो भी किसी को नहीं मिल रही है. जिस दिन आप इन एक एक सांस को एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे और हाथी रहना शुरू कर देंगे, लाइफ विल टेक यू टर्न अराउंड. कभी थैंक्स करना ना भूलें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है. तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे दर्शपति शो पे, और इसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की अलग अलग पर्सनैलिटी से मिलाते हैं. आज जिनके साथ आपको मिलाने लेकर आए हैं वो पर्सनैलिटी को आप इस तरह से समझे कि हिमाचल का खाना, जो हिमाचल की विविधता है, वो हिमाचल के खाने से आपको पता चलेगी. और उस खाने को हिमाचल से बाहर और लोगों तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. आज हमारे बीच में निधि शर्मा जी हैं, और निधि शर्मा जी मास्टर शेफ में हिमाचल को रिप्रेजेंट कर चुकी है. लेकिन हिमाचल की ये बेटी की जर्नी सिर्फ मास्टर शेफ की नहीं है, तो और जानेंगे मास्टर शेफ के बाहर का, जानेंगे निधि शर्मा को जानेंगे. तो निधि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इन्वाइट किया, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिल रहा है अपनी जर्नी आपसे शेयर करने. निधि जी, मैं शुरुआत से शुरू करूंगा, आपकी कहानी पे आऊँगा. उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरी कल एक फ्रेंड मुझे मिली, उस फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैंने उनको बताया कि मैं आपका इस तरह से इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप. शी वांटेड टू बी हियर, पर वो किसी कारणों से अभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अपने जैसे काम वगैरह रहते हैं. तो मैंने कहा कि क्यों जाना है, हमारे तो मोहल्ले की बात है, जिस तरह से मैं कह रहा था उन्हें. तो उन्होंने कहा था कि उनका एक बेबी है, वो बैंकर भी हैं, और उसके साथ वो मास्टर शेफ में भी जाए हैं, रील्स भी उनकी बहुत वायरल होती है, तो वो एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए. तो इस तरह का अब एक जो लोगों के बीच में एक बात बनने लगी है, जिसमें आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखा जाता है, आपको ऐसा देखा जाता है वुमेन हु इज डूइंग इट ऑल, जो एक लाइफ ऐसी जी रही है जिसमें वो ड्रीम जो है काफ़ी लोगों की. उस तरह से आप उसे कैसे देखती है? आई थिंक कि ये एक भगवान की मेहर है कि इतनी शक्ति मिल रही है. कभी कभी मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि बीइंग अ वाइफ, मदर, और साथ में प्रोफेशनली कुछ और हैंडल करना, और अभी बाय पैशन कुछ और हैंडल कर रही हूँ. सो कुछ एक सुपरनैचुरल पावर तो है जिसका हाथ मुझ पर है, उसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ. नेचुरली हमें एक हर एक चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत रहती है लाइफ में. आई थिंक वंस वी डिसाइड कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, उस अकॉर्डिंगली जब हम स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर देते हैं लाइफ में, तो लाइफ हमें उसी नज़रिए से देखना शुरू करते हैं. मेरी सक्सेस के पीछे भी यही कारण है कि पैशन को मैंने कभी मरने नहीं दिया. इंस्टाग्राम की या फिर सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, सिर्फ 1-2 साल हुए हैं मुझे अभी इन चीज़ों को शुरू किए हुए, लेकिन कुकिंग करते हुए मुझे साल हो गए हैं. लाइक 8-9 से ही जब घर पे गेस्ट आते थे तो मुझे होता था कि नहीं, मतलब मम्मी मुझे किचन का आप पूरा दारमदार दे दो, मैं खुद कुछ बनाऊंगी. जबकि क्या होता है उस वक्त पेरेंट्स आपको बोलते हैं पढ़ाई करो, नौकरी लगो, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मतलब बेसिकली. तो एक और बात भी है यहाँ पे कि जैसे एक वो जो शर्मा जी की बेटी वाली बात है आपके साथ, कि भाई वो वही काम भी कर रही है जो वो करना चाह रही हैं, और साथ में पढ़ाई करके नौकरी लगने वाला काम भी आपने प्रॉपरली कर लिया. हाँ, आई थिंक अभी क्या होता है, हम मिडिल क्लास में एक मेंटालिटी रहती है. सिंस मेरे खुद भी बैकग्राउंड वाइज पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, तो उनका एक हमेशा से रुझान रहा कि नहीं, बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में लगे. उन्होंने बहुत कोशिश की हमें करने की, और मुझे अभी भी याद है कि जब नौकरी लगी थी तो उससे 1-1.5 महीना पहले तक हम जो है, मैं और मेरे फादर कम्युनिकेशन में नहीं थे ज़्यादा. जस्ट बिकॉज कि आप कुछ कर नहीं रहे हो और नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो कुछ. तो फिर मैं भी सीधा एक स्टेशनरी पे गई, वहाँ मुझे यूको बैंक का फॉर्म नज़र आया, तो मैंने वो फटाफट से लिया, खुद ही वो फॉर्म भरा और मैंने उसको भर के दिया. जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तब मेरे पापा को पता चला है कि मैंने वो चीज़ क्लियर कर ली है. और मैं उस वक्त कॉलेज की क्लास में बैठी हूँ, उन दिनों फ़ोन नहीं हुआ करते थे और मुझे तो फ़ोन लेकर दिया ही नहीं था पापा ने. सो मेरी एक फ्रेंड है, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे पोस्ट मास्टर साहब ने बुलाया था और हमें एक चिट्ठी रिसीव हुई है और आपका इंटरव्यू है सो एंड सो डेट को. शायद 1 हफ्ता बाकी था उस वक्त इंटरव्यू के लिए. तो उस दिन पापा को ऐसा लगा कि अब भी हम दोबारा से कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं, लाइक अ ड्रीम कम ट्रू उनके लिए ये था कि मैं जॉब में लग जाती, और अगर मैंने वो किया शायद वो एक अच्छा डिसीजन था। उस डिसीजन की वजह से ही मैं आज शायद अपने पैशन को इस तरह से परफॉर्म कर पाई हूँ। अगर उस वक्त नौकरी नहीं लगती और शायद अपनी जिद से उसी फील्ड में चली भी जाती और मेरा करियर मेरा साथ नहीं देता उस वक्त, तो आज शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाती। पर जिस समय कि आप, मैं समझ पा रहा हूँ कॉलेज या स्कूल का टाइम हमारा 15 इयर्स बैक, yes. तो उस समय पर मास्टर शेफ नाम की भी कोई चीज नहीं थी इंडिया में। मास्टर शेफ नहीं, मैं पापा को बोलती थी मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। हाँ, मैं अपना प्रोफेशन ही बिल्कुल डिफरेंट रखना चाहती थी। इनफैक्ट मेरे पास साइंस था प्लस 2 में, बट साइंस में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मास्टर्स तक गए आप? मैं मास्टर्स तक गई हूँ, मैंने बीबीए किया है, मैंने एमबीए किया है उसके बाद, तो सारी चीजें मैंने साथ साथ पैरेलली चलाई। लेकिन जो मेरी जॉब थी वो मेरे बीबीए के ही सेकंड सेमेस्टर में लग गई थी। ओके, उसके बाद तो ये फॉर्म था, मतलब मैंने प्लस 2 बेसिस पे अपना पेपर क्लियर किया था ये वाला। वाओ, हाँ, यस। तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है, और ये क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल के जो बच्चे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम लाइफ में आती है या घर वालों के साथ अनबन होती है, तो हमें लगता है कि हम एकदम से रास्ते अलग करके हम कोई एक नया रास्ता ईजाद तो कर लेते हैं, फिर उस पर भी नहीं चला जाता क्योंकि घर वालों का उतना सपोर्ट हमें मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी आपने मतलब घर वालों की मान भी रखा, अपना भी जो करना था वो भी किया, और इस तरह से बेसिकली जब मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब इस तरह की प्रॉब्लम कभी आती है तो हार नहीं मानी चाहिए जनरली जो है। मैं ये कहना चाहूंगी सभी को ही कि अगर सपोज आपको कभी हारा हुआ महसूस हो भी रहा है ना, तभी भी आपको अपनी जो स्पिरिट्स है उनको हाई रखना पड़ेगा और उस चीज को अलाइव रखिए। जो भी आपका पैशन है, भले आप उसे जिंदगी भर ना कर पाए, लेकिन अगर आपने उसको किसी कोने में अलाइव रखा है ना, तो आपकी लाइफ बहुत लाइवली होने वाली है। अगर मैं ये कुकिंग 15 साल पहले छोड़ देती, जब मुझे पापा ने कहा कि नहीं एचएम नहीं कर सकते, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, तो मैंने उन चीजों को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, और लेकिन मैंने कुकिंग करना नहीं छोड़ा। मैं तब भी उतना ही खुश होती थी, मेरे घर पे कोई आता था, और मैं आज भी उतना ही खुश होती हूँ कि मुझे मौका मिलेगा अपने रीजनल क्विजीन्स को ट्राई करने का, इंडियन क्विजीन को प्रमोट करने का। तो मैं खाना पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, काफी कुछ पढ़ती भी हूँ। मुझे एक बार नौकरी लगने के बाद अगर कोई मुझे पूछता था कि क्या पढ़ रही हो, तो इट वॉज लाइक फूड ब्लॉग्स पढ़ रही हूँ, किसने क्या बनाया, कहाँ की कौन सी डिश होती है। तो आई थिंक वो सारा जो पैशन था उस चीज़ को मैंने लाइव रखा। अगर मैं दिन के 15-20 मिनट भी उस चीज़ के लिए दे रही थी, तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी कि नहीं, समवेयर आई एम कनेक्टेड टू माई पैशन। तो मैं सारे यूथ को, सारी लेडीज़ को, सबको जो ये सोचती हैं कि मात्र हम शायद सिर्फ खाना ही बना रही हैं और क्या ही रोल है हमारा लाइफ में, उन सब के लिए रियली एक इंस्पिरेशन बनना भी चाहती हूँ। और आई थिंक तभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, अदरवाइज मैं बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ ये बात करने में। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे सुनेंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा बनेगी कि नहीं, वो भी अपने पैशन को हमेशा अलाइव रखें, और साथ साथ जो वो कर रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट खुद को देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि बैंक मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा ब्रेड बटर है, वो मुझे सबसे पहले पसंद है। पैशन से भी पहले मुझे वो चीज़ पसंद है जहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो वो भी मुझे इक्वली प्यारा है। लेकिन जो मुझे प्यारा है उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। एक पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में ये बात हो चुकी है कि जैसे जो अगर हाउस होल्ड में अगर हमारे भी हाउस वाइफ्स जो होती है, उस जॉब को लोग कई बार जॉब कंसीडर नहीं करते। मैं जैसे अभिषेक भाई से जो बात कर रहे थे, आपको जो मैं दिखा भी रहा था, तो उन्होंने भी जैसे कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनकी धारणा ही वो गलत है। आप तो चलिए आप जैसे जॉब भी करती है, लेकिन मेकिंग फूड, अगर वो सिर्फ खाने की बात करें तो उसकी पौष्टिकता से लेकर बनाने के भाव से लेकर खाने में सब कुछ डलता है। तो उस भाव के साथ हमारे यहाँ पर खाना बनता है, हमारी संस्कृति में खाना बनता है, तो इट टेक्स अ लॉट टू मेक फूड, जो मेरे भी समझ में आता है। और उसके बाद जब उस चीज़ को डिमीन किया जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर औरतों के लिए जब आपने कहा है वो एम्पावरिंग होना चाहिए, और मैं कहूँगा ऐसा ऑफकोर्स ये एम्पावरिंग भी है, और आई थिंक उनको अपना महत्व खुद समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, क्या कह रहा है वो बाद में कह रहा है। अब वो चीज़ आप पे सिर्फ तभी असर कर सकती है अगर आप उस चीज़ को मान रहे हो। सपोज मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, वो चीज़ आप पे तभी असर करेगी अगर आप उस चीज़ में बिलीव कर रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। अगर आप उसको बिलीव ना करके अपनी स्पिरिट्स को हाई रखते हो और आपके अपने खुद के पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं कि नहीं आई एम डूइंग ग्रेट, तो आपको नहीं पड़ेगा किसी की भी बात का फर्क। आई थिंक हमें अब आज का ज़माना ऐसा है कि इस तरीके से अपना आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा। और रही बात कि एक महिला का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी सोसाइटी में, और अगर हम सिर्फ खाने की ही भी बात करें तो मुझे याद है मेरी दादी बोला करती थी कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी जैसा पानी वैसी वानी। तो ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें बचपन से, मुझे भी इनफैक्ट, अगर मैं कहीं ना कहीं अपने कल्चर से जुड़ी हूँ तो उसमें मेरे फैमिली के संस्कारों का बहुत ज़्यादा रोल है। स्पिरिचुअल इंक्लाइन है आप? बहुत ज़्यादा। क्या मतलब मैं फॉलो करती हूँ ब्रह्मा कुमारी जो है, सिस्टर शिवानी को फॉलो करती हूँ। मतलब शी इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी कि वो सब कुछ जॉब करते हैं, फैमिली के साथ भी उन्होंने मतलब उन हाइट्स को रीच किया है। आई थिंक शी इज़ द वन एंड ओनली मोटिवेशन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आरती भजन के नाम पे मैंने बहुत आरतियाँ गाई हैं बचपन से लेके, पूरे रट्टे मार के पूरे संग्रह तक याद हुआ करते थे कभी। फिर लाइफ ने जैसा जैसा रुक लिया, आपकी अपनी प्रायोरिटीज चेंज होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, मेरा भी चेंज हुआ। बट मैंने कभी भी उन बेस को नहीं छोड़ा, अपनी लाइफ की बेसिस को नहीं छोड़ा। वहाँ फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दादी मेरे को बोलती थी, अगर हमारे घर में कोई चिड़के खाना बनाता था तो बोलती थी कि चिड़के खाना नहीं बनाना, इससे मैं खुद बना लूंगी, तुम नहीं बनाओगे। वो कभी समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रही है, मतलब इसका क्या कंसेप्ट है, खाना ही तो बनाना है, खाना ही खाना है तो बन जाएगा, वो जैसे मर्जी आप बनाओ। जब मेरी खुद की बेटी हुई तो मैंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर कि क्या इन चीज़ों का रोल है, एंड मुझे वो डिफरेंसेस पता चले। मैं हमेशा वही चीज़ बात बोलने में बिलीव करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है या फिर मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट की हुई है। तो मैंने देखा है अगर मेरा बच्चा मेरी बात सुन के या घर पे कुछ माहौल अलग है तो उस दिन उसकी वाइब्रेशंस भी बिल्कुल अलग हो जाती हैं, खाने की वाइब्रेशंस भी बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यही आप खुश हैं, आप खुशी दिल से खाना बना रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी सरपास हो रही है, आई थिंक दैट इज वे बियॉन्ड जो हम समझ भी नहीं सकते कभी फूड का इम्पोर्टेंस। बेसिकली आपने फूड, स्पिरिचुअलिटी और संस्कारों को इकट्ठा यहाँ पे वो जोड़ा है। मैं इस पे आऊँगा लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए जर्नी की एक शुरुआत होती है। अब जैसे मुझे जो सबसे पहली चीज़ मेरे घर वालों ने बनवाई थी व्हेन आई वाज अ किड, इट वाज चाय बनाना सिखाया था उन्होंने। और मैं चाय को जब बनाता था उस समय पे तो मुझे ऐसा लगता था संजीव कपूर नाम था शायद हमारे टाइम पे, वो ही इज अ लेजेंड। आई गेस ही वाज द फर्स्ट शेफ जो हम सब लोगों ने 90s में देखे होंगे, और वो आया करते थे तो मैं फीलिंग संजीव कपूर जी की लेवल की देखता था वहां पर कि जब वो चाय बना रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियसली मैं अभी तक खाना अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जैसे आप जब खाना बनाती है तो आपने जब पहली डिश बनाई होगी वो क्या होगी, क्या चीज़ थी जो आपको सिखाई गई किया जाना चाहिए? देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब तो मैंने अपनी चॉइस से कोई चीज़ बनाई होगी तो इट वुड हैव बीन मैगी फॉर श्योर, लेकिन जो मेरी मम्मी ने मुझसे सबसे पहले बनवाई वो चाय ही थी। प्रायोरिटी ऑफ मैगी, मतलब वो मुझे अभी भी क्लियर, मैं कहीं ना कहीं दूंगा, मुझे जितनी भी अपने याद आती है। वैसे ठीक हमें कभी याद नहीं होता कि हमने कितने सालों पहले, लाइफ इतनी आपकी अप डाउन हो चुकी होती है कि नहीं याद रहता है, बट चाय का मुझे खास इसलिए याद है क्योंकि मुझे शौक होता था कि किचन में हाउ टू एंटर, और स्पेशली जब मेहमान आ रहे हैं तो बस मैं किचन में घुसी हूँ। वो काम मतलब मैंने आई थिंक +1 + 2 से शुरू कर दिया था, जब मेरे पेरेंट्स मुझे धक्का दे रहे थे कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा किचन में काम नहीं है। तो जब मेहमानों के सामने पता होता था ना कि डांटनी पड़ेगी तो उस वक्त एक मौका होता था, नहीं आज मैं चाय बनाती हूँ, आज मैं ये खाना बना देती हूँ, तड़का मैं लगाऊंगी, आप दाल बॉयल कर दो, तड़का मैं लगाऊंगी। सो आई थिंक मेरा कनेक्शन फूड के साथ जो है वो काफी अर्ली शुरू हो गया था। आपको बेसिकली मतलब जो इंटरेस्ट वाला अपने आप से ही वो डेवलप हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए, ऐसा कहेंगे? शायद मैं उस चीज से थोड़ा सा कनेक्ट हुई कि जब मैंने सिस्टर शिवानी को, मैं 7th-8th से सुनती हूँ, हमारे घर पे जब एक ही प्रोग्राम आता था उस वक्त पीस ऑफ माइंड करके, तो उसमें जब उनका वीडियो चलता था उस वक्त मैं भी बहुत छोटी हुआ करती थी तो मैं देखती थी, देखो ये व्हाइट कपड़े पहनकर आप शी सो सिंपल और कितने पते की बात कर रही है और ये कितना ज्ञान दे रही है मतलब हमें, बिकॉज शी टॉक्स वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपने कभी भी उनको सुना होगा तो आराम से और प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद कोई, उनकी बात सुन के ये नहीं बोलेगा कि वो मेडिटेशन कर रही है या फिर वो कोई और किसी चीज की तरफ आपको ले जा रही है। शी टॉक्स प्रैक्टिकल, जैसे अभी हम दो बात कर रहे हैं वो ठीक उसी तरीके से यूथ को भी मतलब प्रमोट करती हैं। तो उनको जब मैं सुनती थी और मैं वो स्पिरिचुअलिटी वाला कंसेप्ट देखती थी, मुझे कभी समझ नहीं आया कि हम खाने के जरिए भी किसी का जो माइंड है उसको बिहेव चेंज कर सकते हैं, माइंड चेंज कर सकते हैं, उसको एनर्जी दे सकते हैं। हीलिंग पावर की हम बात करते हैं लाइफ में, वो हीलिंग आप खाने के जरिए कर सकते हो। तो जब मैंने थोड़ा थोड़ा उनकी बातें सुनी, 1-1.5 घंटा हमारे घर पे वो रोज लगा होता था, तो मुझे मजा आता था कि नहीं खाना बनाऊंगी और मैं इतनी खुश। अभी यूजुअली क्या होता है हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं अरे काम करना पड़ेगा, मेहमान आ गए, अकेला रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर कोई आ जाए मुझे क्या बना के दोबारा तो खाएंगे ही नहीं। मतलब आप कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस आ ही जाते हो, चाहे जो भी है। ऐसा नहीं है, अगर मेरे खुद की फैमिली वाले भी कोई आ रहे हैं तभी मुझे लगता है अब क्या बनाओगे, सबको मैंने देखा, मैंने अपनी मदर को भी बहुत टेंस देखा, अच्छा मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरे टीचर कलीग्स आ रही हैं, क्या बनाएंगे हम, कैसे करेंगे। एंड फॉर अ सरप्राइज मैं उस वक्त खुश होती थी, अरे ये आ रहे हैं, ये तो मैं पक्का बनाऊंगी, अच्छा ये भी बना लेते हैं, इस साथ एक चीज़ और बना लेते हैं। तो वो जो डिफरेंस मैंने खुद में देखा, आई थिंक वो फूड के साथ मेरा जो कनेक्शन है ना, वो बचपन से ही कहीं ना कहीं बिल्डअप होना शुरू हो गया था। लेकिन दैट एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो कहाँ रोल प्ले करता है, मैंने अपने घर के हर खाने खाए हैं जो बुजुर्ग बनाए करते थे। अभी भी अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे तो मैं कुछ ऐसी रेसिपीज डालती हूँ जो मैंने नानी से ही सीखी है। मैंने कभी सुंड का हलवा नहीं खाया, लेकिन वो मेरी नानी जो है वो हर व्रत पे बनाया करती थी, एंड वी यूज्ड टू लाइक फाइट फॉर इट, एक चम्मच एक्स्ट्रा, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, आप उसको बहुत क्वान्टिटी में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें एक एक चम्मच के लिए बोलती थी, बस एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाओगे, और वो बनाती थी जब भी व्रत होता था। तो वो मेमोरीज को मैं कलेक्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं, आई वॉन्ट टू कीप देम अलाइव। लोग ट्राई करें ना करें वो मुझे अभी पता नहीं है कि करेंगे कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें थी हमारे, मतलब बैकयार्ड में जो सब्जियां लगती थी। अभी हम कैसे होता है सब्जी लाते हैं, पहले उनमें अडल्ट्रेशन है, उसके बाद हम इतने थोक भर के उसमें मसाले डाल रहे हैं, इतना तेल डाल रहे हैं, और जस्ट टू मेक इट टेस्टी तरह तरह के मसाले आ गए हैं। मुझे अभी भी याद है वो हम घर जाते थे अनएक्सपेक्टेडली, अगर हमारे घर पे कोई आ रहा है तो वो 2 भिंडी की आधी से तोड़ के लाती थी, तवे पे मतलब मस्टर्ड ऑयल डालती थी और उसको रोस्ट करती थी जीरा डाल के, एंड दैट इज लाइक मेरे को लगता है मैंने सबसे अच्छी चीज वही खाई होगी अपनी लाइफ में। इंटरेस्टिंगली जो मैं यहाँ पे ये भी नोटिस कर रहा हूँ, जैसे आपने अपनी नानी माँ की बात की, मेरे नानी माँ मुझे एक किस्सा बताया जाता है उनका। इवन जो फूड है, कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, वो गाँव में रहते थे। तो एक दफ़ा जैसे मैं बीमार हुआ था, हालांकि खाना बनने से पहले की चीज़ है, तो मसालों का बॉडी पे किस तरह का असर होता है, किस तरह की चीज़ें क्या क्या काम कर सकती हैं, वो पुराने लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता था। अभी समय के साथ हम लोग वो पिज़्ज़ा और बर्गर में ये चीज़ को शायद भूलते जा रहे हैं। आप अर्की से आती हैं, शादी आपकी अब पर शिमला की तरफ को हुई है। हाँ, मेरे से अलग साइड हुई है मेरी जी। तो जब हम ये बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, तो उन दोनों जगह पर आपको क्या डिफरेंस लगता है? सेम ही है या फिर? नो, इट इज़ वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि सोलन और अर्की तक पहुँचते पहुँचते भी खाना बदल जाता है, टोटली बदल जाता है। हमारे हिमाचल में एक्चुअली फूड ट्रैवल बहुत सालों पहले से जम्मू कश्मीर से हुआ था, जो बेसिकली हम धाम की बात करते हैं और जो हमारे टेम्पल फूड बनने शुरू हुए थे, तो वो वहाँ से ट्रैवल किया। लेकिन जैसे जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने रिसोर्सेज रहे, उस हिसाब से हमारा खाना बदल गया। बहुत बढ़िया। अभी अगर मतलब हम देखते हैं कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से हम सबने अपना खाने को अडेप्ट कर लिया। अभी आई कोई एक चीज थी, लेकिन अगर मेरे घर पे वो नहीं है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट ये है, तो मैंने उसको उसके साथ डाल के शुरू कर दिया। लाइक अगर हम बात करें कि मदरा बहुत फेमस एक डिश है। देखिए मैं आपको ऐसे मैं मदरे की बात यहाँ पे लिख रहा था, माइंड रीड नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। ये क्यों मैं पूछने लगा था, मैं लोगों के साथ एक्चुअली इस चीज़ के लिए बहसता हूँ कि जो मैं मदर की स्टोरी जानता हूँ, आप जो जानती है अलग अलग हो सकती है। हो सकते हैं, बिल्कुल। मुझे तो बताया गया था कि चंबा के राजा जम्मू की तरफ को गए थे, एंड ही वेंट देयर एंड ही एट समथिंग विच वाज नो वेज, और वो उनको इतना पसंद आया था कि वो जब चंबा वापस आए तो वो नॉन वेज की जगह उसका एक रेप्लिकेशन बनाना चाहते थे वेजिटेरियन फॉर्मेट में, जिसको जनता भी खा सके। एंड ही आस्क्ड हिज खान सामाज टू डू दैट, और उन्होंने उसके बाद मदरा तैयार किया। और वो क्योंकि चंबा में राजमा बहुत होता है, क्योंकि आपका पॉइंट वैसा था, राजमा बहुत होता है, तो राजमा का मदरा बनने लग पड़ा। उसके बाद वो मदरा जब चंबा से बाहर जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हम चने का मदरा देखते हैं, अलग अलग चीज़ों का देखते हैं। मतलब मैं चंबा से हूँ तो मुझे मदरा सिर्फ एक ही समझ आता है, वो होता है राजमा का। लेकिन शायद आपने मतलब यही स्टोरी है कि आपने कोई अभी मैं बस इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँगी। आपने बहुत हद तक ठीक कही है ये बात, कुछ चीज़ें एडिशन मैं इसमें करना चाहूँगी। तो जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर से खाना ट्रैवल हुआ, वहाँ के वाजवान जो बनाते थे उस वक्त खाना, वो देखा गया, और यहाँ पे कि हम क्या टेम्पल फूड अपनी माता को सर्व करें। चंबा के जो राजा होते थे मेरू वर्मन, तो उन्होंने देखा कि हम भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे, लेकिन हम वेजिटेरियन मोड में बनाएंगे। तो आके उन्होंने जैसे हमारे जो बोटिया होते हैं, तो उनको कहा कि मेरे को ऐसा ही एक फीस्ट चाहिए और हमें देवी माता को चढ़ाना है। जो मदरे की स्टोरी इससे रेलिवेंट है, वो सबसे पहले बना था सुपारी का मदरा। जो पान सुपारी, ध्वजा नारियल बोलते हैं, हम उसमें जो सुपारियां होती है, तो जो मतलब टेम्पल फूड में माता को भोग लगा था ना, वो सुपारी का मदरा लगा था। उसके बाद हमारी जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन वहाँ राजमा की थी चंबा में, तो जो राजमा का मदरा है वो बनना शुरू हुआ। फिर जब हम कांगड़ा साइड को आ गए तो फिर वहाँ हमने चने शुरू कर दिए, वाइट चने बनाने शुरू कर दिए। अभी आप थोड़ा सोलन वाली तरफ को आ जाओ, अभी हम आलू का भी मदरा बना देते हैं। फिर हमारे यहाँ जिमिकंद होता है, पहाड़ी जिमिकंद का मदरा बन जाता है। जहाँ गंड्याली होती है वहाँ गंड्याली का मदरा बनता है। तो आई थिंक जहाँ जहाँ जैसा जैसा लोकल प्रोड्यूस रहता है हम उस टेक्निक को फॉलो करते हैं। बेसिकली मदरा है क्या? बेसिकली मदरा है एक योगर्ट बेस्ड ग्रेवी है जिसमें आप दही को इमल्सिफाई करते हो घी के साथ, और उससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर आपके निकल के आते हैं खड़े मसालों के साथ। तो ये हम मतलब अगर मैं शेफ लैंग्वेज में आपको बताऊं तो दिस इज अ टेक्निक टू फॉलो। अब आप इसमें मेन इंग्रेडिएंट को क्या रखना चाहते हैं, दैट इज टू योर कॉस्ट, कि आप क्या उसको बनाना चाहते हैं। तभी मैं अगर घर में गोभी का भी मदरा बनाती हूँ क्योंकि उसका बेस सेम रह रहा है, मेन इंग्रेडिएंट को मैं चेंज कर रही हूं। मतलब मैं पहली बार जैसे ये सुना अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है गोभी का मदरा कैसा लगता हो? नहीं, बहुत स्वाद लगता है। मैं जब इसकी मदरे की बात हो रही है, आप चंबा की तरफ के धाम खाई आपने? मैंने ऑलमोस्ट सारी धाम एक्सप्लोर की। तो चंबा में एक धाम का एक्सैक्ट पैटर्न है, अलग अलग जगह है, लेकिन मैंने चंबा फिर क्योंकि चंबा से हूँ तो वहाँ पे जब हमारे लास्ट में दो चीज़ें मिलती है, जब एक बारी आपके वो पहले दाल फिर मदरा फिर दाल और उसके बाद आपको मीठे चावल मिलते हैं, फिर कड़ी आती है और उसके बाद एक अलग चीज़ आती है जिसे बोलते हैं वो खट्टा। वो खट्टा एग्जैक्टली वो खट्टा होता भी नहीं है अगर आपने उसे खाया हो, वो एक तरह से लास्ट में आपको जैसे बहुत कम सा दिया जाता है। मैंने देखा नहीं कोई बहुत ज़्यादा लेता है, उसको सिर्फ टेस्ट के लिए रखा जाता है। वो जो खट्टा है उसको भी मैंने यहाँ नहीं देखा कि कहीं और पे भी उस चीज़ को रेप्लिकेट किया जाता है या कहीं बनाया जाता है। उसके बारे में अगर कुछ थोड़ा बता पाए। देखो अगर मैं साइंटिफिकली इस चीज़ की बात करूँ तो वो खट्टा एक तरीके का पैलेट क्लेंजर है कि आपने खा लिया, अभी आपको डाइजेशन के लिए लास्ट में आप उस चीज़ को खा रहे हैं ताकि आपका वो पूरा जो फूड पाइप है उससे गो थ्रू हो तो आप ऑल सेट हो रहे हैं अगले मील्स के लिए। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पैलेट क्लेंजर। और खट्टा वैसे सबसे मशहूर हमारे हिमाचल में कांगड़ा का है जो काले चने का खट्टा बनता है। दैट इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग और एवर डिलीशियस काइंड ऑफ थिंग। आफ्टर मदरा आई थिंक द सेकेंड फेवरेट जो है वो हमेशा काले चने का खट्टा रहा है मेरा। तो मुझे ये लगता है कि साइंटिफिकली हिमाचल ने ना बहुत रिसर्च किया इन चीज़ों पे। पुराने लोगों ने जैसे भी बनाया वो सारी चीज़ें उसमें वो जो बोलते हैं 5 तत्व होते हैं और सबका बैलेंस बनाया। वो खट्टा, मीठा, तीखा, बिटर, सार, वो सारी चीज़ों का एक सीक्वेंस है। तभी अलग अलग तरीके से जो है हमारी जो धाम है उसमें कई जगह मीठा एंड में दिया जाता है, कई जगह मीठा स्टार्टिंग में दिया जाता है, बीच में भी दिया जाता है एवन कई। हाँ, वो मतलब चीज़ें हमने ट्वीक की हैं एज पर अवर कम्फर्ट। तो फूड जो है वो हमेशा जब भी वेरी करता है तो फाइंड अ रीज़न कि वो शायद हमने अपने कंफर्ट के लिए उसको चेंज किया है। क्योंकि एक फिक्स पैटर्न जो है, अगर आप आयुर्वेदा की तरफ चले जाएं या पुराने खानों की तरफ चले जाएं तो उन सब खानों में इन 5 जो तत्व होते हैं इनका रेलेवेंस होता था कि खट्टे का क्या इंपॉर्टेंस है, मीठे का क्या है, बिटर भी रहता था। अभी हमारे जो ये औरिया कद्दू बनता है तो औरिया का वही एक कड़वा होता है, वो हल्का सा उसमें एक टिंच होती है राई की, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए वो करते हैं। फिर जैसे अगर मदरा बनाया जाता है तो मदरे को काटने के लिए खट्टा होता है। एक हमारी हल्की सौंफ वाली चने की दाल होती है, तो दैट इज टू लाइटन द थिंग्स कि आप वो सॉफ्ट जो है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। सो बड़ा कैलकुलेट करके जो हमारे मील्स हैं वो बनते हैं। बट अब हमने जब से हम उनको पहचानना बंद कर दिया और हमने उनको सिर्फ एक शादी वाला खाना बना के छोड़ दिया है, आई थिंक तब से उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस जो है वो कम हुआ है। मुझे ये इस चीज़ जो आपने कहा इसी चीज़ पे, जैसे कि आजकल मैं जाता हूँ तो मेरे कज़न के भी पिछले शादी थी तो उसके वहाँ पर पहली बार मैंने मटर पनीर देखा कि भाई वो खाने के बीच में बन रहा है। अब क्योंकि धाम का मैंने कहा कि सेट पैटर्न है और वही चीज़ें आएंगी उसी समय पर आएंगी, आगे पीछे भी नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कड़ी पहले आ जाए और मदरा बाद में, ऐसा नहीं है वहाँ। तो जब अगर हम इसे अभी मॉडर्न टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा चेंज तो आता है, लेकिन क्या अगर हम ऐसे चेंज करेंगे तो जो एसेंस है जिसके लिए वो बनी है क्या वो खराब नहीं हो रहा है उससे? फिर वही मैं कह रही हूँ कि फिर हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि लेट्स नॉट चेंज ऑल दिस थिंग्स, और इनको जिंदा रखते हैं। अब उसको फॉलो करना ना करना ये हमेशा एक पर्सनल चॉइस रहती है। आई नेवर से एनीथिंग टू एनीवन कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल बिहेवियर है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता था, उसे जिंदा रखने के लिए तो आई थिंक हम सबके प्रयास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे शेफ से ज़्यादा बोटियों से मिलकर खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है देखिए पावर ट्रेडिशन अलाइव समवेयर, और उनको जितनी समझ है वो अभी हम नो डाउट बहुत टेक्नोलॉजी में सो फार सो गुड इतना आगे बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि बुक्स लिख रहे हैं लोग, फ्रेंच क्विजीन्स, इटालियन क्विजीन्स, बाहर का भी बहुत इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन खाने पे आ रहा है। तभी मेरा बच्चा खुद ही सुबह उठ के बोलता है मुझे मैगी खानी है, मेरे को नूडल्स खाने हैं। शी नेवर से कि मुझे ये आप काले चने का खट्टा बनाओ या मुझे हलवा बना दो। हलवा भी नहीं खाते हैं, वही चीज अगर उनको डोनट मिल रहा है वो डोनट खाते हैं। तो वो जो इतना गैप पड़ गया ना, आई थिंक हम अपने कल्चर को, अपने फूड को जो है एक लेवल पे प्रमोट नहीं कर पाए। अदरवाइज अभी क्या होता कि जिस तरीके से बाकी क्यूजीन्स पॉपुलर हैं, हिमाचली क्यूजीन भी पॉपुलर हो सकती थी। तो मेरा एक थोड़ा सा मतलब अपने आप ही एक स्टेप है इस चीज़ के लिए कि हम अपने ट्रेडिशंस को अलाइव रखें, जितनी नॉलेज हमें है एटलीस्ट हम उसे आगे तो प्रोवाइड करें सब। एक और बात है यहाँ पे, क्यों मेरे मन में प्रश्न तो कुछ और था लेकिन मैं जाना चाह रहा हूँ, आपकी एज अभी मतलब यू आर ए यंग वुमेन और उसके बावजूद जैसे आप बेसिक जो इतना क्लियर है, ये ओवर द ईयर रिसर्च के साथ है या फिर जैसे लोगों के साथ बातचीत में उसके साथ लिख भी रही हैं, उसे कल को लिखेंगे कोई किताब इस तरह से कुछ? मतलब ये चीजें अंडर प्रोसेस हैं तो अभी मैं क्या भी बोलूँ इनके बारे में, क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक लर्निंग स्टेज में रहते हैं। अभी एज एज कभी भी डिसाइड नहीं करती कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। लेकिन नो डाउट मेरा रुझान है इस तरफ, हमारे हिमाचली कुजीन की तरफ मेरा हमेशा से रुझान है। इनफैक्ट मेरा इंडियन कुजीन की तरफ एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सपोर्ट है हमेशा से। मैं मास्टर शेफ की किचन में भी जब गई हूँ तो मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी हुई चीज़ें कि अगर तो मेरे चैलेंजेस मुझे कुछ हिमाचली बनाने के लिए अलाउ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव प्रायोरिटी टू दैट। बट अगर मेरे चैलेंजेस मुझे उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं सो आई फाइंड सर्टेन ऑल्टरनेटिव जो कि इंडियन कुजीन में था। मतलब क्योंकि जब हम खुद को नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो हमें दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। अपने में विश्वास तो पहले से ज़्यादा मुझे ये लगता है। और रही ये कि मुझ में ये कहाँ से आया, ये ट्रूली मुझे भी खुद पता नहीं है कहाँ से है। ऐसा करके मुझे लगता है इतने सालों कैरी करना ना, मुझे खुद भी ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। लाइक मैं मास्टर शेफ में भी गई और उसके बाद मुझे इतनी आइडेंटिफिकेशन मिली, मेरी एक पहचान बनी और वो पहचान उस चीज़ से रिलेटेड है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें नॉट लेस देन अ मिरेकल हैं। और मास्टर शेफ चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैंने कभी आज तक मास्टर देख ही नहीं रखा था। आई वाज नॉट इवन फॉलोइंग इट। 8वां सीजन है जिसमें आप फीचर हुई है ना? हाँ, 8वां सीजन मैंने नहीं देखा। मतलब मुझे खाने का शौक है, मैं फॉलो करती हूँ ये अपने पुराने जो हैं तरला दलाल जी, संजीव कपूर जी की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप में अभी फूड में चल रही थी। ये मॉडर्न अभी जो फूड आया है, मिशेलिन कॉन्सेप्ट्स आए हैं, ये सारा एक्सपोजर मुझे बाहर निकल के ही मिला। सोलन में जो मुझे एक्सपोजर मिला वो आई थिंक इतना था कि क्योंकि सीख भी नहीं पाई, कभी कोई डिग्री करने का मौका भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने जो जो भी देखा वो गूगल पे रिसर्च करके या फिर लोगों से बात करके या जो हमारे प्रोसेस में मुझे जो जो लोग मिलते रहे। मैं क्योंकि अर्की साइड से हूँ तो वहाँ पे एक बिलासपुरी धाम का भी इन्फ्लुएंस रहता है, हमीरपुर का भी इन्फ्लुएंस रहता है। और सिंस मेरी शादी अब हिमाचल में हो गई है तो मैंने वहाँ का भी खाना देखा। फिर कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि नॉर्थ साइड में हैं तो मैं देखती हूँ उनका खाना हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ धाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उनका बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट वहाँ वेज में भी सिर्फ एक ही चीज़ बनती है। एक बार मुझे खास याद है कि मैं किसी शादी में गया है, थोड़ा अब मज़ा आएगा, कुछ नया खाना खाने को मिलेगा। तो सिंस आई वॉज वेजिटेरियन तो उन्होंने मिक्स वेज बनाई हुई थी, बाकी सारा नॉन वेज। तो सिर्फ आप क्या दो लोग वेजिटेरियन होंगे उनके लिए कल्चर ही वहाँ पे कल्चर वो। हाँ, तो फिर मैंने उनको ये बोला कि यार कुछ तुम मतलब पलदा ही बना दो, कुछ दही को तड़का ही लगा दो, कुछ लिक्विड तो दे दो। मतलब मुझे लाइक सर मुझे मिक्स वेज और पूरी खाने को मिली है, बाकी सारा कुछ नॉन वेज था। इवन मैं जब इलेक्शंस को भी कभी फॉलो करने के लिए गया या फिर वहाँ पे कवरेज के लिए गया तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बनाया नहीं होता, तो जो लोगों के लिए बहुत होता था हम लोगों के लिए भी हो जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि मैं पहली बार देखा कि भाई इतना नॉन वेज खाया जा सकता है। तो वो जब धीरे धीरे आप देखते हैं, दुनिया देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि अब एक तरह से कई जगह पे तो थोपा जाता है कि भाई नहीं वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, लेकिन जहाँ की जगह नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्चुअली वहाँ की है। यही मैं इसी चीज़ पे आना चाहती थी कि हिमाचल का जो फूड है वो क्लाइमेटिक कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अभी सुक्के मेट का जो कंसेप्ट है वो हमारे हिमाचल से ही शुरू हुआ है। फर्मेंटेड चीज़ों का जो कंसेप्ट है, आप देखोगे अगर बाहर निकल के देखते हैं हम तो ये फर्मेंटेशन का, सारडू के कंसेप्ट, वीगन डाइट्स, ये सारी चीज़ें इतनी मॉडर्नाइज वे में बिक रही हैं और इनके बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, जबकि ये सब हमारे घर में होता है। बेसिकली नाम अब ब्रांडिंग हो गई, योग से योगा हो गया। yes, लेकिन yes. चीज वही है। तो पीपल गेट सरप्राइज्ड कि उनको लगता है कि अच्छा तुझे ये जलेबी का स्टार्टर बनाना आता है, अरे इसमें बनाना है ही क्या है मतलब, क्योंकि हम वो चीजें करते आए पहले से। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई हलवाई हूँ या मेरा कोई मतलब मैं प्रोफेशन से उस जगह से बिलोंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली हो रही थी, इसलिए वो इतना सिंपल लगता है। कई लोग जो बोलते हैं कि इतना सिंपल फूड है फिर भी इतना मुश्किल है ये बनाना, क्योंकि मेरे को अपने डीएम्स में इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं कि टुडे वी ट्राइड सिड्डू, मेरा फेल हो गया, कि ऐसा नहीं हुआ, वो सॉफ्ट नहीं बना और वो ऐसा रह गया, उसमें डोई था बहुत ज्यादा। तो मैं सोच रही थी इसका मतलब हमारे तो जो डेजर्ट्स में लोग कंप्लेंट्स करते हैं उससे भी ज्यादा सिड्डू में प्रॉब्लम है। तो कोई एक हो जो उन्हें अच्छे मेजरमेंट्स के साथ प्रॉपरली उनको गाइड कर सके कि हमारा सिड्डू इतना पॉपुलर हो रहा है। मुझे कई बार इंटरनेशनल मैसेजेस आए होते हैं कि लोग यहाँ से बस के वहाँ गए हुए हैं तो दे से में कि आप मैम सिड्डू बनाने के लिए सिखाओ। अभी मैं उन्हीं लोगों के लिए सोच रही हूँ कि लेटर ऑन मैं वीकेंड क्लासेस शायद शुरू करूंगी ऑनलाइन। एक तो एक 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 हमारे पास डेलिकेसी तो नहीं कहेंगे उसे, चटनी क्या मतलब बताने के लिए चटनी कह रहा हूँ। यू माइट हैव हर्ड अबाउट चुक। यस, चंबा चुक। मैं उसकी स्टोरी मैंने एक वहाँ पर चंबा में एक आप क्या है सकते हैं कि क्यूरेटर हैं वो हिस्ट्री के, उनके पास काफ़ी है उसमें खाने की भी है। मिस्टर चोफला हैं और वो चुक बनाते भी हैं, व्हील्स करके उनका एक ब्रांड है। यस आई नो दैट, मैंने खाई है उनका। हाँ, और मैं उनके पास गया था। वहाँ से आपने अगर जो खाई हो वो लिया लाल मिर्च की होगी या हरी मिर्च की, वो राजमा की भी बनाते हैं और अलग अलग ब्रांड्स है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने चुक तो सिर्फ उसकी मिर्ची की होती है, तो ही टोल्ड मी अबाउट इट कि भाई चुक जो है हम लोगों ने मिर्ची की क्यों बनाई थी, उसका भी कारण है। पहले तो उस चुक में एक स्पेशल हर्ब मिलता है जो सिर्फ पांगी वाली तरफ को मिलता था उस समय पर, जो चंबा रियासत होगी ऐसा सब कुछ था। और अभी की जो चुक है वो तो थोड़ा सा क्योंकि वैसा टेस्ट अवश्य है लेकिन वो एग्जैक्ट वो नहीं है जो हो सकती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे होता क्या था कि भाई मिर्ची ही होती थी हमारे पास, तो बिल्कुल मैं ओनली मिर्ची चुक बन सकती, तो और हरी से ही बनती थी, लाल तो वो बाद में बने कि भाई फ्लेवर के तौर पे। देन एक अनदर चुक जिसमें वो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और वो इतने लिमिटेड बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है या फिर अफोर्डेबिलिटी शायद लोगों को लगे ना उसने ज़्यादा। और हम यहाँ पे जैसे जब आपसे बात करते हुए इस चीज़ को यू कैन जस्ट लिम दोज मोमेंट्स बैक, जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाने का ऐसा होना क्यों ज़रूरी है। चुक कुछ भी हो सकता था लेकिन वो मिर्ची का ही बना और उसी तरह से फेमस हुआ। मदरा अलग अलग चीज़ों का हो सकता है, होता भी है, उसी तरह से चुक भी अलग अलग चीज़ों की हो सकती है, होती भी है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो कितनी ज़्यादा और कितने डेप्थ में बनाएगी हमारे यहाँ पर, चाहे कहाँ का, चाहे खाना कांगड़ा का हो, चंबा का हो, बिलासपुर का हो, हमीरपुर का हो, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस जगह के अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स ओवर देयर, वो सब पे बहुत ज़्यादा जो हम देख सकते हैं कि इट्स ऑलवेज इट मतलब हिमाचल अपने आप में एक ऑलमोस्ट एक डाइवर्स कंट्री की तरह वहाँ। यस यस आई टोटली अग्री। अभी मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि कुछ टाइम पहले मेरे पास एक राजस्थानी कपल आया था, तो मैंने देखा वो भर भर के मिर्ची खाते हैं, मतलब उनको लाल मिर्च के 3-4 चम्मच चाहिए उस दाल में, इतना तीखा खाते हैं। तो आई थॉट कि क्या ऐसा रहा होगा जो ये इतनी मिर्ची खाते हैं। सो दे सेड कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है और गर्मी को गर्मी काटती है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न हर चीज़ के पीछे है। अभी शिमला में सुप्टे मीट का कंसेप्ट है, आप कांगड़ा हमीरपुर साइड चले जाओ वहाँ नहीं है। धाम की भी अगर मैं बात करूँ तो धाम वैसे टेम्पल फूड है, उसमें नो अनियन नो गार्लिक धाम रहती है, लेकिन फिर भी धाम लहसन प्याज के साथ भी बनती है। हमीरपुर साइड अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ लहसन प्याज वो डालते हैं अपने धाम में। तो क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पे कोई कॉपीराइट है, इट इज़ लाइक कि कहीं से एक चीज़ की शुरुआत हुई और वो ट्रेडिशनली वैसी रही। उसके बाद जैसे जैसे आपके ज्योग्राफिकल सिचुएशंस होती रही, जो जो रिसोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी होती रही, उसी हिसाब से हम सब ने उन चीज़ों को ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो लोगों को वो पसंद आ रही है, लोग खा रहे हैं, क्योंकि फूड अल्टीमेटली आपका कंफर्ट और एक सोलफुल फूड होना चाहिए। अभी मैं बोलूँ मुझे स्वाद लग रहा है तो आपको भी ये स्वाद लगना चाहिए, ये खाने में कभी पॉसिबल है ही नहीं। एक ही खाने के लिए 4 लोग अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। तो आई नेवर गेट सरप्राइज अगर लोग चीज़ों को बदलते हैं। इनफैक्ट अब मैं तो उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर आपने यहाँ से इंस्पायर होकर ये डिश बनाई है तो आई थिंक यू आर डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज आप अपने हिसाब से उस चीज़ को कर रहे हो। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज अगर आप किसी चीज़ को बदलाव भी ला रहे हो ना। अगर हमने चंबा चुक से बनाते बनाते हरी मिर्च से राजमा बना भी दिया ना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सप्लेन इट, टू ओन इट, आई थिंक। और एक्चुअली चेंज इज नॉट बैड, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसे गीता में भी कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन उसके साथ आप अपना बेस उस परिवर्तन जड़ों से जुड़ के रहना, और वो बहुत आवश्यक है। और जहाँ पे यहाँ पे आपकी जर्नी एक्चुअली बीच में आती है, आप मास्टर शेफ तक पहुँच गई लेकिन है तो आप हिमाचल की ही, और हिमाचल की जो क्यूजन्स हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप उसे एग्जैक्टली रॉ फ्लेवर में किस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैम एक जो धाम की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो आपने हमारे हिमाचली पॉडकास्ट में कर दी है, पर इसमें एक और जो मैंने बात की थी किसी से, क्योंकि क्यूरोसिटी में, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, कि वाई डू वी ईट विद हैंड्स ओनली। तो उन्होंने हमें बताया था कि जो आपने बीच में बात भी की थी, रसों की बात की थी, कि वो आप जब चम्मच से खाते हैं, अंग्रेज आते हैं वो हमें बताते हैं कि देखो यू पीपल आर सो डर्टी, यूज स्पून, यूज फोक, यूज नाइफ। और वो ठीक है, कई जगह पे वो आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जगह जगह होती है, लेकिन जनरली जो धाम है नीचे बैठ के क्यों खानी है, उसको हाथ से ही क्यों खाना है, तो उसके पीछे की भी साइंस जो मुझे बताई गई थी वो ये थी कि आपके हाथों के जो रस होते हैं वो खाने के अनुसार और टेस्ट के बर्ड्स जो है आपके जीभ के, वो भी आपके हाथ के उसके टच के साथ वो चलते हैं, इस वजह से इसे इस तरह से किया गया। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप देखना, जब आप मतलब एक कनेक्शन होता है बॉडी का अपने सोल के साथ, एक कनेक्शन होता है व्हेन यू ईट विद योर हैंड्स, तो वो कनेक्शन और ज़्यादा बिल्टअप होता है। कई बार बोलते नहीं है हम चम्मच के साथ पूरा खाना खा के आते हैं, यार रजे नहीं, ये तो मज़ा नहीं आया। जब हम हाथ से बैठ के उसी दाल चावल को मिक्स करके बढ़िया से खाते हैं तो हमें लगता है कि ये सोल सेटिस्फाइंग है। तो वो रस हैं जो रिलीज हो रहे हैं उसका अपना महत्व तो है ही, क्योंकि देखो पत्तल पे देने का भी एक अपना ही महत्व होता था कि पत्तल से भी जो है वो आपको एक अर्दीनेस आ रही है। सारी चीज़ों के पीछे एक सिम्बॉलिक इन्फ्लुएंस है जो हमें कैरी करता आ रहा है आज तक, और वो सिम्बॉलिक इन्फ्लुएंसेस को हम अलग अलग तरीके से हमेशा प्रिटेंड करते हैं। मैं सोचूंगी कि शायद हमारे पास उस वक्त थालियाँ नहीं होती थी तो हम पत्तों का इस्तेमाल करते थे, कोई कहेगा पत्ते की रेलिवेंस अपनी है, पत्ते में अपने अर्क हैं, वो अर्क रिलीज होते हैं आपके हाथों के साथ मिक्स होकर, आपकी बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई करते हैं। सर्टेन थिंग्स आर देयर। अभी आप साउथ साइड चले जाओ, वहाँ बनाना लीफ पे दिया जाता है ये खाना, आप कहीं और चले जाओ वहाँ मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मरिक लीव्स पे खाना बनता है, उनके जो खाना होता है। तो जहाँ जहाँ जो रीजनल प्रोड्यूस का इम्पोर्टेंस है उसको जब हम खाने के साथ मिक्स करते हैं तो वो जो सोल को सेटिस्फैक्शन देता है, आई थिंक वो हमारे रूट्स को बिल्डअप कर रहा होता है, तभी हम उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी भी आई प्रेफर कि अगर मैं धाम में जा रही हूँ तो इंस्टेड ऑफ मुझे वो गोल वाली अभी जो पत्तल चल पड़ी है वो ना देकर अगर मुझे हरी वाली उस पत्तल में जिसमें वो अच्छे से सिला हुआ है, वो मतलब वो फीलिंग है। बेसिकली धाम इज एन इमोशन, और हिमाचली खाना मेरे को टोटली एक इमोशन लगता है, वैसे ही साउथ इंडियंस को लगता होगा हमारा खाना हमारे लिए एक इमोशन है। सो जब तक हम उस चीज से इमोशन से रिलेटेड हैं तब तक ये ट्रेडिशंस लाइव रहने वाले हैं। वंस ये इमोशन से हम डिटैच हो जाएंगे, फिर आप चम्मच से खाओ, हाथ से खाओ, खाओ ना खाओ, सब बराबर है। मैं यहाँ पे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लेता हूँ, आपको पहला फूड बताना है जो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सुन के याद आता है, ठीक है? ओके, टफ है थोड़ा। हाँ टफ तो है। मैं भी ये, मुझे तो ये याद करना टफ होता है 12 के 12 को एक बार में बोल पाऊँ, वो वाली दिक्कत भी आ जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं सिरमौर में कांजन। ये क्या होता है? आता हूँ मैं इन पे बाद में आता है ये, क्योंकि जब मैंने भी कुछ जो चीजें यहाँ पे अभी आपको पंकज भाई के बारे में बताएंगे, मैं उनके ऊपर भी आने वाला था। एक हो गया सिरमौर, हो गया हमारा सोलन कड़ी मशरूम्स। पहले डिसाइड मशरूम की डिश कौन सी देखे? मशरूम में ना एक यहाँ डिंगरी बनती है, डिंगरी, चलो डिंगरी लिख देते हैं, डिंगरी। इसके बाद आते हैं हम लोग शिमला, सिड्डू। हाँ ये मेरा फेवरेट है, चाहिए कि नॉर्थ छुटांगे। आपने आपको तो पता होगा पंकज भाई को सब पता है, बीवी की सुननी पड़ती है। लाहौल से ही छुटांगे एक्चुअली ट्रैवल करके आया है। किन्नौर में अगर हम बात करें तो सुक्का मीट। आप वैसे वेजिटेरियन हैं? मैं बट आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल, बिकॉज मैं पढ़ती हूँ तो देखती भी हूँ, सब चीजें मुझे करनी पड़ती है। एज ए शेफ आई एम वेरी मच इनटू लाइक एक होराइजन जहाँ पे मैं बात करने में कभी कतराती नहीं। हाँ, और मीन्स पर बनाती नहीं, ठीक है। हाँ। इसके बाद हम जाते हैं हमीरपुर की तरफ को, बिलासपुर। इतना सोचना पड़े तो कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, धाम सबके ना बस थोड़ा फ्लेवर में डिफरेंस होता है। पर्टिकुलरली बिलासपुर की कोई चीज खाई है ऐसा नहीं है। तो जैसे चंबा से चुख बन गई ना, वैसे बिलासपुर से बिलासपुरी धाम में अभी खाना बनता है, जैसे बिलासपुरी सेपू बड़ी मंडी है ना। बेसिकली जितने भी जो लोअर एरियाज है, कचोरी वो बहुत अच्छा बनता है। बबरू और कचोरी का फर्क भी बहुत कम है, अगर बबरू तो आपकी तरफ पता नहीं, बबरू भटूरू ये सारी चीजें। और कई दफा तो मैंने ये भी देखा कि हमारे तरफ कुछ चीज को जो कहते हैं वो दूसरी वाली जगह पे जाके उसका थोड़ा सा नाम बदल जाता है। जैसे आपने बिच्छू बोटी का साग की अभी आपने वीडियो भी डाली, ऐन का साग हो जाता है, हमारे ऐन का हो जाता है, तुम्हारे क्या कहते हैं? ये लोगों को लगता है नहीं ये हमारा है, नहीं ये हमारा है, वो बेसिकली पर्सनल हो जाते हैं। इनफैक्ट लोग इन चीजों पे कितने सारे कमेंट्स आते हैं, बट आई रियली थैंक गॉड एंड मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है, मुझे भी उनको देख के बहुत खुशी होती है कि अगर ये अपना ओनरशिप ले रहे हैं इस डिश को लेके तो इसका मतलब ये कितने इमोशनली कनेक्टेड है। सो अगर आपने कभी मेरे फूड पेज पे देखा होगा, आइदर आई डोंट रिस्पॉन्ड देम और आइदर आई रिस्पॉन्ड देम वेरी पॉजिटिवली। अभी भी मैंने पीछे कल एक डिश बनाई तो लोग उसमें बोलते हैं ये ऐसे नहीं बनता है। सो अभी मैं समझा नहीं सकती कि क्या बनता है कैसा नहीं बनता है। आई रिस्पेक्ट देम अलॉट कि हाँ ठीक है आपका बनाने का इसको तरीका कुछ और हो सकता है, दिस इज माई वे टू टेल यू और ये ऐसे बनता है। एक पर्टिकुलरली सिग्नेचर वेरिएशन तो व्यक्ति की होती ही है और वो होनी भी चाहिए, जो मुझे भी समझ आता है। अब मैं यहाँ पंकज भाई पे आना चाहूँगा। एक तो आपके पेज का नाम है नूर'स हॉट पॉट जो आप इंस्टाग्राम पे चलाती है, और दूसरा जैसे कि ऑब्वियसली शादी होती है जो यहाँ पे अभी भी मैं अपने किसी अपनी एज या किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ जिसकी शादी होने वाली है। लड़कियों को खासकर ये दिक्कत होती है कि भाई अब मैं घर चेंज होगा और अब जो है ये वाली चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। खाने के साथ तो चलो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन एज इन जब आप यहाँ पे धाम को शेफ बनते हैं या फिर बैंकर बावर्ची बनते हैं उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वह आप मेरा समझ रही है पॉइंट समझ रही है। तो जब पंकज इसमें आते हैं, पंकज भाई आते हैं, इस तरह से पंकज भाई ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, तो उसमें आते हैं तो उससे आपने पहले बताया देखो भाई बाकी सब ठीक है, खाना बनाऊंगी मैं और ऐसा ऐसा, इसके बारे में इनको जानकारी थी। आई थिंक ही इज द ओनली मोटिवेशन जिन्होंने मुझे वहाँ भी भेजा, जिन्होंने मुझसे नूर'स हॉट पॉट भी शुरू करवाया, जिन्होंने मुझे बोला कि खाना अगर खुद इतना अच्छा बनाती हो तो लोगों को भी जानने का हक है कि आप कैसे बनाते हो या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप हमें लॉस्ट रेसिपीज हमें घर पे बताती हो कि अब नहीं बनता ये। अब घी बाड़ी आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं कभी भी, लेकिन मेरे घर पे बनता है। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट आई थिंक। और पंकज इज द वन हु एप्रिशिएट्स ऑल दीज थिंग्स। अभी मैं पंकज को ही कुक्स घर का खाना अभी हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है। एक्चुअली मैं लास्ट मंथ हम लोग एक पॉपअप में असिस्ट करने गए थे मेरी कजन को, तो वहां पर एक काउंटर लगा हुआ था, मतलब एक 5-स्टार प्रॉपर्टी में एक काउंटर था घर का खाना। सो होता क्या है कि अभी मैं रेसिपी रील्स के लिए इतना खाना बनाती हूँ, आई गेट सो मच टायर्ड है ना, उसके ऊपर से सारे इंटरव्यूज, लोगों के डीएम्स, पर्सनल अटेंशन, कई जगह रेसिपीज के लिए लोगों को कुछ जानकारी, लोगों का मेरे बारे में जानना, मेरा क्या आउटलुक है अभी लाइफ के लिए, मैं क्या करने वाली हूँ। सो आई गेट सो स्टक्ड अप समटाइम्स कि मुझे लगता है कि खाना बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब कई बार मुझे मम्मी से डांट पड़ रही होती है कि तूने सुबह से 3 रेसिपीज बनाई है ना, बट हमें घर का खाना नहीं मिला है ना। हमें मतलब अपना जैसे होता है वो दाल चावल कंफर्ट फूड व्हाट आई एम टॉकिंग, क्योंकि अगर मैं अपनी रेसिपी रील के लिए कुछ भी बना रही हूँ, मैंने वहाँ व्यूअर्स के लिए बिछुवटी का साग बनाया, अभी इट कैन नॉट सर्व माय होल फैमिली। एक्चुअली अभी मैं जैसे आप चाह रही हैं, पंकज इज द ओनली मोटिवेशन बिकॉज वो जो दाल चावल बनेंगे वो पंकज बनाएंगे या सब्जी चपाती जो बन रही है वो पंकज बनाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली क्यों इतना पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अब जैसे लग रहा है रेसिपी ना, जैसे वो एंड वाला साग की बात हो रही है, हमारे वहाँ पे सर्दियों में इट्स मैंडेटरी कि आपको खाना ही खाना है, हमारे लिए घर का खाना हो। अब मतलब मैंने इसको इतना मिस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अब जैसे अगर मैं देखता हूँ मुझे पता है ये बनती है, घोटना पड़ता है जिसे कहते हैं वो, एंड एवरीथिंग इज देयर। आई रिमेंबर माय मदर कुकिंग दैट एंड माय फादर इज वेरी गुड विद कड़ी, जो चंबा वाली है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, यहाँ पे थोड़ी सिर भी पतली होती है। तो मैं ये मतलब एक तो घर का खाना जगह से जगह जाके कितना चेंज हो जाता है मैं वो भी देख रहा हूँ, पर जैसे ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अटेंशन इज देयर, प्राइवेसी जो है ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाने वाली बात होती है। आप कुछ भी डालते हैं सोशल मीडिया पे, वो लोगों का अपने अपनी तरह से वो ऑनरशिप भी आती है, लेकिन उसके साथ क्रिटिक्स भी आती है। हाँ, क्रिटिक्स तक वर्ड ठीक है, आलोचना तक सही है, कई बार आलोचना से ज़्यादा भी कह देते हैं कुछ लोग, और कहने का लहजा उस तरह से नहीं होता कि वो लगे कि वो आलोचना हो रही है, वो ऐसा ज़्यादा लगता है कि भाई देखो हमें आता है तुम्हें तो पता कुछ नहीं, मैं ये भी हम्बल हो गया। तो ऐसी जगह से जो अभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा वो वाला स्पेस जो सिर्फ निधि शर्मा का था या निधि और पंकज का था वो जा चुका है, या मतलब उसको मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि वो चीज़ें शायद तब आती अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग या कोई मिसकम्युनिकेशन होता। अभी भी हम दोनों उन मैसेजेस पे इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि हाउ कनेक्टेड दे आर, मतलब हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं रादर देन क्रिटिसाइजिंग अवर क्रिटिसाइजर्स ओनली। हम उनको कहीं ना कहीं अपने दिल से मतलब गॉड ब्लेस देम टाइप्स फीलिंग देकर हम सोचते भला हो भला हो, क्योंकि हम नहीं कुछ उस चीज़ में चेंज कर सकते। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन anyone। और हमारा सबसे अच्छा स्पेस का टाइम भी होता है कि हम जो ये वीडियोस बनाते हैं ये मिडनाइट वीडियोस बनती है। मैं अपने बच्चे को टाइम देती हूँ तो 10-11 बजे, अभी तो थोड़ी बड़ी हो रही है नो, तो 11 से 11:30 भी बजते हैं, कभी खेलते हुए उसके साथ 12 भी बज जाते हैं। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब जनता के लिए भी है कि मुझे जो मैंने एक पेज भी शुरू किया है वो मास्टर से जाने से पहले भी आई यूज टू मेक इट श्योर कि कभी मेरा कंटेंट जो है वो मिस ना हो। एंड पीपल आस्क फॉर इट. अगर मैं नहीं डाल रही हूँ रील्स में, मास्टर शेफ में नहीं डाल रही थी, तो कितने लोगों के कमेंट्स आए कि क्या हो गया, आप ठीक तो हो. तो अभी मैं ना उनको कुछ सही से बता पा रही थी क्योंकि टेलीकास्ट भी नहीं हुआ था, तो काफी सारी चीजें थी उस वक्त. बट वो जो स्पेस है मिडनाइट वाला कि 11 बजे के बाद मैं पंकज को बोल रही हूँ चलो छतरियां लगाओ और ये अभी हम आज ये बनाएंगे, प्रोडक्शन भी साथ ही चल रहा है साथ ही साथ में, तो वो हमें इतना कनेक्टेड रखता है. लाइक पंकज को मेरे एक भाव से पता चल जाता है कि अब मैं कभी उदास हूँ तो सबसे पहले वो सोचता है कि क्या हुआ होगा, कुछ तो बात रही है, क्या है, किसी ने कुछ बोला, कोई कमेंट तूने ऐसा पढ़ा, तुझे कहीं से हर्ट हुआ, कुछ हुआ. तो वो जो एक कनेक्शन है, आई थिंक मेरे को तो लगता है अभी ये सारी चीजें होने से वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया. क्या बात. पहले भी यूज्ड टू टॉक कि ठीक है बैंक में क्या चल रहा है और घर पे ऐसा करते हैं, अभी ऐसा करने को है, बच्चे की ये चीज लाने को है, वो है. अब क्या है कि हम ना टुगेदर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो कनेक्शन हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है. क्योंकि अभी पहले मैं एक होकर लड़ती थी उन सबसे, सबको एक करके फेस कर रही थी ना कि चलो ये दिस इज ओनली माय बिजनेस. अभी हम दो हैं तो इट्स लाइक यू वर्सेस अस. वो वाली चीज है, वेरी एम्पावरिंग थिंग टू हियर. क्योंकि ऐसे जनरली लोगों को देयर इज अ एक वो क्या कहते हैं फॉर्म बोलते हैं शायद ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. अच्छी बात यह है कि इट्स एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल आप लोग इसे बनाते हैं कि भाई इसमें जरूरी नहीं है दोनों कपल जो है वो इकट्ठे काम करना, उसका बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इट इज एक्चुअली वेरी एम्पावरिंग. काफी लोगों को यहाँ से कपल गोल मिल जाएगा उसकी वजह से. हाँ नहीं बिल्कुल. और मैं मतलब सारे कपल्स को या फिर जो भी हमारे फैमिली मैन और फैमिली वुमेन्स हैं जो होम मेकर्स हैं हमारे हैं, उनको सबको सुपर प्राउड खुद पे फील करना चाहिए. और मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे का हमेशा हाथ बटाएं, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें. क्योंकि जो वो कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस हम नहीं समझ सकते, जो हम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ सकते हैं. लेकिन अगर आप दोनों ही इन चीज़ों को समझ लेंगे, आई थिंक लाइफ विल गेट मोर इजियर. जो नूर है वो आपकी बेटी है, शिवनूर उसका नाम है, और नूर हम उसको प्यार से शॉर्टकट में बुलाते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो एडवेंचर है उसमें तीनों लोग हैं, यहाँ पे पंकज भाई भी हैं, आप भी हैं और शिवनूर भी है. उसका एक कहते हैं नूर रोडपोर्ट के नाम से पेज है, अभी तक फॉलो नहीं किया तो पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग. आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे. जब मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग जैसे यहाँ पे ही रहते हैं, तो आपकी जब स्टार्टिंग में भी हम मैंने पेज देखा था एंड इट वाज गोइंग ग्रेट, अच्छा सा चल रहा था. और सेकेंडली मैं टेलीविजन नहीं देखता हूँ, तो मुझे मास्टर शेफ का जब पता चला था, आई एक्चुअली फाउंड वन ऑफ योर पोस्टर जो था कुवारहट्टी से धर्मपुर के बीच में एक कृष्ण जी का मंदिर है, उसके बाहर था, बहुत बड़ा बड़ा था. और मैं हम लोग मंदिर से आ रहे थे शायद से किसी से, एंड आई फाउंड इट. उस दिन आपको भी देखा मैंने और उसके साथ हमारा एक लड़का भी चल रहा है, पता नहीं जिस टाइम का रिकॉर्ड है उस टाइम तक वो चल रहा होगा नहीं होगा, जो मयंक रावत करके है रैप आईडी. और वी वर वेरी हैप्पी कि हमारे दो लोग, सोलन के दो लोग वहाँ पे इस टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं. एंड अलग अलग दोनों का जोनर इतना अलग अलग है, आप है खाने में, दूसरा है वो गाने में रैप, अलग ही तरह का रैप लिखता है वो. जब हम देखते हैं, आपने जैसे उससे पहले जैसे हम हिमाचल से बाहर की बातों कर रहे हैं, संजीव कपूर जी की बात कर ली, बड़े बड़े शेफ्स जो हैं उनकी बात कर ली, हिमाचल के अंदर अगर आप ऐसे मान के चलें कि भाई आप घर से प्रेरणा तो आई, उसको छोड़ के अगर प्रेरित किया किसी ने खाने के प्रति, तो वो कौन रहा? ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि मैंने हमेशा फूड के लिए मैं अपनी दादी नानी से ही मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम उन्हीं दो औरतों के साथ बिताया है. अगर मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, आजकल के बच्चों को तो इतना अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय नहीं मिलता, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, मोरओवर अभी कुछ ट्रेंड और है. लेकिन मेरा ये रहता था कि अगर मुझे 4 दिन की भी छुट्टी पड़ी है तो मैं दादी के पास मिलूंगी या फिर नानी के पास मिलूंगी. आई नेवर यूज टू लिव विद माई पेरेंट्स जब मेरी छुट्टी है. और जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, मैं सोचूं वो कब गुजर गए, और आज भी वो सब चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं और कितना लंबा चल रही हैं. तो मैं अभी मतलब शिवनूर के लिए भी यही सोचती हूँ कि जितना मैक्सिमम टाइम ही अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बिताए, उनकी जो एक वो इमॉर्टल लर्निंग्स है ना, वो मैं नहीं दे पाऊंगी उसको. वो अगर हर टाइम मेरे साथ भी है, शायद मैं उसको वो चीजें नहीं सिखा पाऊंगी जो ऑटोमेटिकली उसको हमारे पूर्वजों के साथ और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ रहने से आ जाएगी. तो मुझे जो प्रेरणा मिली वो यही था कि एक फूड का स्पिरिचुअलिटी से क्या कंसेप्ट है, और एक खुश होकर जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसका असर क्या पड़ रहा है दुनिया पर. आई थिंक उन दोनों चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि मुझे ये करना चाहिए. फिर तो जैसे जैसे आप होश संभालते हो, आपको समझ आती है, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो. फिर मैंने हिमाचली फूड को खुद से ट्राई करना, इट वाज नॉट लाइक कि ओवरनाइट मैंने हिमाचली फूड ट्राई करना शुरू कर दिया कि मैंने पहली बार मद्रा बनाया और वो पहली बार अच्छा ही बना. ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड शेफ नहीं हूँ. बट यह है कि उस चीज़ के लिए वो क्यूरियोसिटी और वो जो पैशन है उसने मुझे एक ऐसा हाथ दे दिया फिर कि नहीं अभी आई एम मेक परफेक्ट, अगर मुझे आँख बंद करके भी बनाना हो तो आई कैन कुक दैट थिंग और शायद वो अच्छी बनेगी, क्योंकि आपको उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की टेक्निक्स और आपको जो मसालों की समझ है वो कब कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ जानी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इन चीज़ों पे प्ले कर सकते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने मेरे पैशन से सीखने की कोशिश की है। कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिसको मैं देखूं ये बोलूं मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसा नहीं रहा। और ज़्यादा सीखने के लिए जैसे दादी और नानी, हाँ मतलब बेसिक उनसे ही स्टार्ट हुई ये जर्नी, बाकी सपोर्ट करते करते तो आज दुनिया साथ में है। आज तो सभी लोग आप लोग को बुला रहे हैं, मतलब आई फील सो मच ग्रेटिट्यूड कि शायद मैंने उस सपने का साथ नहीं छोड़ा तो उस सपने ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और कभी सपने के बीच में ऐसा भी आया है कि किसी ने ऐसा बोला हो कि क्या करती रहती हूँ, क्यों खाने के पीछे पड़ी हो? ऐसा तो अभी भी बोल देते हैं, अभी भी कहते हैं। अरे मैं बोल रही हूँ एक टाइम का खाना मिस हो जाए तो अपने मम्मी पापा ही बोलना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये तुमने क्या करके रखा है, सुबह से 11 बज गए बच्चे ने खाना नहीं खाया, इसके लिए तो कुछ बना लो। तो वो मतलब अपने प्यार आउट ऑफ लव उस हिसाब से बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो कोई इस चीज़ के लिए कभी डिमोटिवेट किसी ने किया, उल्टा सभी अप्रिशिएट करने वाले ही मिलते हैं। और जैसे ये वाली जो कंटेंट क्रिएटर वाली प्रॉब्लम है ना, ये तो मुझे लगता है कि सभी के साथ है। जैसे मेरी माँ मुझे फोन करेंगी और मैं उन्हें कहूंगा कि मैंने आपका इंटरव्यू किया है, हाँ तो एडिटिंग कर, एडिटिंग का तो पार्ट ही नहीं है बीच में ना, उनको नहीं पता कि कोई और प्रोसेस भी है, यहाँ पे ये लगाई। मम्मी के हिसाब से दो लोग बैठे हैं वो अपने आप से हो रहे हैं, ये हम भी सुनाएंगे अभी आपको अपनी स्टोरी। तो उसमें मम्मी का क्या होता है, जैसे मेरी मम्मा का मेरे को शाम को फोन आएगा और 10 के आसपास फोन आता है, खाना खाया तूने? मैं खाना खा लिया। एक तो अकेले रहने का अपना बड़ा नुकसान होता है, तो मैं बाहर खाना खाने जाता हूँ तो मैंने खाना खा लिया, हाँ जी ठीक है, क्या खाया, इतना जितना बात हो गई। उसके बाद आज किसका इंटरव्यू किया, उनको लगता है कि मैं रोज ही इंटरव्यू कर रहा हूँ किसी किसी का, और मम्मा ये पूछेंगी, उसके बाद मैं उनको बताऊंगा ये है। अब अगर मम्मा उन्हें जानते हैं तो ठीक है, अब मैं कहूँगा निधि शर्मा है, कौन है वो, ऐसे से करके करते हैं, कहाँ पे मैंने ऐसे से करके उस मास्टर शेफ में। अब मास्टर शेफ क्या हुआ, अब मुझे वो जो समझाना है ना वो इंटरव्यू सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ऐसे तो अच्छी बात ये है। जब मैंने इस फील्ड में आया भी था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी माता जी को क्यूरोसिटी बहुत थी, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति को जब समझाती थी तो उनको समझ नहीं आता था कि बताना क्या है। अभी ये जरूर हुआ है कि जब से इंटरनेट फ्री हो गया तब से लोग सभी को थोड़ा ये समझ आया कि कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन ये जरूर है कि उसको बैलेंस करने में आपके साथ और ज्यादा है, क्योंकि चलिए आप तो बैंक भी देख रहे हैं, साथ में घर भी देख रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, ये तो कुडोज टू पंकज भाई कि ये भी साथ साथ में चल रहे हैं। हाँ। तो वो वाला जर्नी में आपके साथ भी ये वाली दिक्कत तो आती होगी कंटेंट क्रिएशन? हाँ रहती है। इनफैक्ट क्या होता है कि अभी हम बैठे हैं, सिंस इट इज नॉट लाइक कि आपने एक रेसिपी बनाई और आपका काम खत्म हो गया, अभी काम उसके बाद शुरू होता है। खाना तो बन गया, अगर 1 घंटे की रेसिपी है तो वो 1 घंटे में बन गई, क्योंकि उसमें कोई रीटेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो बन रहा है वो एक बारी में बन रहा है। लेकिन उसके बाद उसमें एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना, तो अगर वो सब करने के लिए हम बैठे हैं तो हम दिन में 10 बारी सुनते हैं तुम बैठे हो तब से, तुम कुछ काम ही कर लो, तो वो लगता भी नहीं है एक्चुअली लोगों को, पर वो सच्चाई है क्योंकि ये इस तरह की फील्ड है। आज से 10 साल पहले बोला जाता है जो बेसिकली प्रोफेशनली इसमें नहीं है तो उन लोगों को शायद ये लगता है नहीं क्या करता है, वीडियोस बनाता है, जैसे अगर मैं मेरे लिए भी कहेंगे वीडियोस बनाता है। आई हैड बीन मेकिंग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम ना, जो जैसे 1000 days की, तो मुझे लोग पूछते क्यों, मैंने क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी है अपनी। अब वो यही समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्यों करनी है, पता नहीं बस मुझे करना था तो करना है। और जैसे कि जो आपकी जर्नी रही, आपने जैसे पूरे हिमाचल का भी खाना खाया और बाहर भी, और उसके साथ मतलब आई जस्ट लव द पार्ट कि आप और पंकज भाई हैं और दोनों लगे हुए हैं इकट्ठे एक ही चीज़ को। यहाँ पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ एक स्टैंड पे रख के मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ जो प्रॉम्प्टर में आती है, तो मुझे पता है कि एक व्यक्ति और हो तो कितना मदद हो जाती है। जैसे यहाँ पे नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, गुस्से में लान हो गया वो, उसके गर्मी से ही लान हो गया तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद हो जाती है। इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी 2 of you नॉट 1 of you। अगर नोट हॉट पोर्ट है तो देर आर 2 people बिहाइंड इट, फेस माइट बी निधि शर्मा। एग्जैक्टली। आगे की ओर मैं ये जानना चाहता था, जो हमारा ये बीच में रहेंगे इसमें बात करेंगे, डिंगरी की बात की थी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, लेकिन इज इट लाइक कि आपको जैसे कि वहाँ पर मास्टर शेफ में भी कहा गया था कि रिजाइन कीजिए अब अपना काम शुरू कीजिए, तो क्या आने वाले समय में भी आप लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव नो हॉट पोर्ट रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक दैट, या फिर आजकल तो जोमेटो भी आ गया है, आप क्लाउड किचन से चलते हैं? यस एग्जैक्टली। तो अभी प्लान कुछ क्लाउड किचन का ही है, और वो भी सिंस मुझे बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग पड़ गया मुझे 2-2.5 महीने में सोने की वजह से, सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बैंक के टुवर्ड्स अभी है। तो आई थिंक मैं यही टेंशन पे करना चाह रही हूँ कि आई विल मेक अ गुड बैलेंस बिटवीन टू, और क्लाउड किचन का मेरे दिमाग में नेचुरली एक है क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है। इनफैक्ट यहाँ से बहुत विजिटर्स क्रॉस हो रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने को होस्ट किया था जो कलकत्ता के गौर में है okay. तो उनको होस्ट करने के बाद मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है। आज मैंने उनकी रील डाली है, अभी डाली है एक घंटे पहले, तो 2 घंटे में मुझे लगता है 8-10 रिक्वेस्ट तो मैं आपके आने से यहाँ आने से पहले देख कर आई थी कि वी आर कमिंग फ्रॉम जर्मनी, वी आर कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऑन सच एंड सच डेट, सो विल यू बी अवेलेबल टू होस्ट अस। तो वो जो एक मतलब मैंने देखा कि लोगों का कितना वो, क्या मेरा घर कोई 5 स्टार नहीं है और ना मुझे पता है कि मेरे खाने का उनके लिए क्या रिस्पॉन्स है, लेकिन वो दे ट्रस्ट मी सो मच। उन्होंने सिर्फ देखा है कि एक लड़की है मास्टर शेफ में गई थी, ऐसे ऐसे उसने खाना बनाया है, हिमाचली खाना बनाती है, तो हिमाचल आ रहे हैं तो उसके हाथ का खाना खाना है। दैट इज द ओनली इंस्पिरेशन बिहाइंड जो वो लोग मुझे अभी मैसेज करके पूछ रहे हैं। मैं पंकज को बोल रही थी कि हम कैसे मैनेज करेंगे ये, मतलब डू यू हैव सम आइडिया, भी हमें ये चीज भी देखनी है क्योंकि उनको राइट है अब इस चीज का। मैं कैसे प्लेटफॉर्म पे इस चीज को रिप्रेजेंट करके आई हूँ कि मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती हूँ और अभी लोगों को भी मेरा खाना जानने की जरूरत है। तो जल्दी हम सोच रहे हैं कि हम वीकेंड क्लाउड किचन शुरू करेंगे, लाइक वीकली हम विल टेक ऑर्डर्स और हम उन सारी चीजों को मीटअप करेंगे ऑन वीकेंड्स। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ ग्रुप नेम्ड हिमाचली इन बैंगलोर, उनके यस यस हां यू हैव हर्ड ऑफ यस आई हैव, उनके ऊपर मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है। सो उन लोगों के साथ जो उन्होंने एक मीटअप रखा था 4 नवंबर वाज द डेट इफ आई नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने उस मीटअप की सबसे अच्छी बात है, सारे लोग कहते हैं कि भाई हम धाम देंगे, तो मैंने भी उसे उतना ही हल्के में लिया था जितना कि मुझे ऐसा लगता है। बेस्ट थिंग वाज कि उन लोगों ने उस धाम में शाहपुर जो कांगड़ा के पास पड़ता है वहां से बोसी बुलवाए हुए थे बेंगलोर में, और वहाँ पे मुझे लगता है कि हिमाचल का जितना अच्छे से वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो सिर्फ पूरे हिमाचल के लोग हैं। और जब मैंने उनकी अभी भी वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट आते हैं कि भाई दिल्ली में करवा दो, नोएडा में करवा दो, हैदराबाद में करवा दो, वगैरह वगैरह, चंडीगढ़ में करवा दो। तो आई थिंक इट्स टाइम कि भाई अब किसी को यहाँ पे जो आसपास है उसको वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ जैसे कि मैं इसमें कह रहा था कि वॉज मोटी, आप उनसे मिले, आपने बुलाया, आप शेफ से भी मिले होंगे, देर इज अ टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट। एक है कि आपको पूरा अपना सर वगैरह ढक के वो कैप सी पहननी है, एप्रन पहनना है, एंड यू विल गो। एक तरफ है कि आप नंगे पैर, नंगे पाँव, इवन कुछ लोग, जैसे मैं गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो लुंगी भी पहनते हैं या धोती पहनते हैं ना, तो धोती पहनने का भी एक स्टाइल होता है, यू कांट वेयर समथिंग अंडरनीथ। और वो जब वहाँ पे काम हो रहा है तो वो नंगे पाँव कर रहे हैं, उसे हाथ से उठा रहे हैं या नीचे रख रहे हैं, तो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आता है। और कोई बाहर का व्यक्ति देखेगा वो इट विल फाइंड कि भाई ये अनहाइजेनिक है और काइंड ऑफ थिंग। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी पूरे तरीके से अपना हाइजीन का ध्यान रखते हैं और ये एक कल्चर है। क्योंकि सिंस जो धाम का कंसेप्ट शुरू हुआ था दैट वाज अ टेंपल फूड। अभी अगर शेफ भी हैं, जब वो मंदिर में जाएंगे तो वो जूते उतार के जाएंगे, सर में कपड़ा रख के जाएंगे। तो आई थिंक वहीं से सारी चीज का आंसर मिल जाता है कि हम उसको टेम्पल फूड की तरह बनाते आए हैं। इसलिए जो हम एक मंदिर में जाते हुए हम जिस तरीके से कवर्ड कपड़े पहनना या फिर नंगे पैर बनाना, उस तरीके से माता को जब हमने पहली बार अपना धाम सर्व किया था, उसके बाद से अब हमने इसको फेस्टिविटीज का एक पार्ट बना दिया है। अभी मुंडन भी होता है, कोई सेरेमनी भी हो रही है, तो हम उस पर धाम ही देते हैं। अब हर कोई अगर कुछ मैंने यहाँ पे कुछ खाना देना हो तो अल्कोहलिट की धाम दे रहे हैं। अब वो उसका एक जो ट्रेडिशनल रेलेवेंस था या कहाँ से वो शुरू होती आई, दैट हैज समवेयर लॉस्ट। तो उन्हीं चीजों को रिवाइव करने का आई थिंक अब आ गया है, जो टाइम भी आ गया है। सो ड्रास्टिक जो चेंज है वो स्टैंडर्ड्स में हो सकता है, उन मिशेलिन स्टार्स तक पहुंचने का हो सकता है, कुछ सर्टिफिकेशंस का हो सकता है, डिप्लोमा, डिग्रीज, दे प्ले अ लॉट ऑफ रोल। जैसे जैसा होता है ना उस हिसाब से। अब होम कुक्स हैं, अब मैं भी अपने घर पे जो वीडियोस डालती हूँ वो सर ढक के नहीं बनाती, बट दैट डज नॉट मीन कि आई एम सर्विंग बैड फूड टू माय डॉटर। और हमारे तो सभी घरों में ऐसा होता है। हाँ, वो शेफ लोग भी जब घर जाते हैं तो उनका कंफर्ट फूड वो भी अपनी मम्मी के साथ बैठ के हाथ से खाते हैं और वो भी कोई कैप्स लगा कर नहीं करते हैं। बट देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो कि हमारी होटल इंडस्ट्री में नॉर्म्स सेट हैं, तो आई थिंक वो उनको फॉलो करते हैं। सो कोई डिफरेंस नहीं है। एज सुन एज वो उस चीज से बाहर आ जाते हैं तो दे आर जस्ट लाइक मी एंड यू। मैंने देखा है, मैंने उन्हीं शेफ्स को जो हमें हर पैरामीटर्स पे जज करते देखा है, उनको ऑफ कैमरा भी देखा है। सो दे आर सो हम्बल, सो जेंटल, एंड दे आर जस्ट लाइक अस। तो एक मतलब एक काम है और एक है जो आपका पर्सनल, हाँ, जो आपका पर्सनल लाइफ है। यस, और सम कुछ चीजें ऐसी है कि जो ट्रेडिशनली आप कैरी कर रहे हैं, सो इट वाज लाइक दैट। आई मीन जो हमारे ऊपर, जो हमारे खासकर इंडिया के ऊपर जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहा काफी समय तक, जब इंग्लैंड से यहाँ पे लोग रहे उस दौरान भी और उसके आसपास भी, तो उस वजह से मुझे लगता है कि जो वो हम लोग सीख गए उनसे। इवन जैसे टूथपेस्ट जैसी छोटी सी चीज ही है जिसमें हम पहले अलग अलग दातुन वगैरह यूज करते थे, उसकी जगह हमारे हाथ में दूसरे टूथपेस्ट वो सारी चीजें जो है शायद उससे अभी बाहर को जो हैंगओवर है उससे बाहर आने को भी थोड़ा समय लगेगा हमें, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड अ लॉट फ्रॉम देम और अभी तक हम लोगों ने उस अपने वाले को उतने उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से हमें देखना चाहिए शायद। हाँ, बट अगर आप आज का सिनेरियो देखेंगे तो अब ना एक बहुत अच्छा बैलेंस बनने लग पड़ा है इन दो चीजों के बीच में। वो इन्फ्लुएंस जब था तो टोटली वही इन्फ्लुएंस था, फिर उसको जाते 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 समय लगा। अभी क्या है कि आप देखोगे हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं देखती हूँ हिमाचल के या आप कैसे भी कह लो, कितने ब्लॉगर्स बन रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं उनके पहाड़ी बाबा के बारे में वो रैप कर रहे हैं, मैं कहीं फूड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो यूथ है वो अपने रूट्स के साथ जुड़ना शुरू हो गया है एक्चुअली। टाइम एक्चुअली वापस जा रहा है, वो बेशक कहीं मर्जी का इन्फ्लुएंस आ जाए लेकिन वो जड़ों से जो जुड़ना है वो अभी मैं ट्रेंड देख पा रही हूँ। यही की बात नहीं है, आप देखेंगे कि एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट और एक घर के खाने वाला, किसी ने आप अगर घर से होम स्टे करके एक लेडी चूल्हे पे खाना बना रही है, both carries the same importance nowadays। Actually, बहुत सही है आपने ये बात बहुत सही से आपने प्रेजेंट की कि अब ऐसा नहीं रहा है कि हम केवल बाहर का शायद वो ट्रेंड और वो फैशन लगता हो, लेकिन अभी लोग अपने वापस घर की तरफ उल्टा, जब हमारे यहाँ पे भी कोई दूसरे घर से भी आ रहा है उसको भी हमारा घर चाहिए। अभी आप देखना क्या जो लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनके लिए फाइन डाइनिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है कितनी है। हिमाचल बहुत बड़ी एक स्टेट है और यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स 5 स्टार भी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, लेकिन वाई दे आर आस्किंग मी कि हमें घर का खाना खाना है और हमें ऐसा ही खाना खाना है, ट्रेडिशनल वाला ही खाना है। और अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट भी हमें वैसा कर सकते हो तो वी हैव टू एक्सपीरियंस धाम, वो नीचे बैठ के पत्तल पे सर्व करके। तो आई फील सो गुड, आपको कितना एक कॉन्फिडेंट और प्राउड फील होता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो मतलब अपने रूट से तो जुड़े ही हैं लेकिन वो दूसरी जगह की भी रूट से ही जुड़ना चाहते हैं। So that feels very good, yes। बलसन, जहाँ पे आपका ससुराल है, बलसन की तरफ बलग और बलग, ठीक बता देता हूँ, बलग वाले बोलेंगे हमारी बहू है। और उसके साथ अर्की, ये इनके जैसे फूड की आपने बात बताई कि चेंज तो आता ही है समय के साथ, जगह के साथ, लैंग्वेज में भी फर्क आता है ऑब्वियसली। हाँ, अभी तो मुझे वहाँ बलग वाली लैंग्वेज आती नहीं है, ना समझ में आती है ना बोलना आती है। पानी को चिश बोलते हैं। ये पता है मुझे पता है। लेकिन तो जैसे अभी की बात है तो ये जैसे ओवरऑल जो जर्नी है, मास्टर शेफ में मैं इसलिए ज्यादा नहीं गया क्योंकि वो आपने बहुत सभी जगह बताया भी, और मैं जानना चाहता था कि एज एन फिलोसफी के लिए आप मतलब खाने के बारे में, परिवार के साथ, ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण है। एक जो मैं चाहूंगा कि आप जो मैसेज दें, मैं हालांकि किसी को मैसेज देने के लिए नहीं कहता, वो उन लड़कियों को, उन माताओं बहनों को जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो कुछ करना चाहती हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, जैसे फैमिली है, जॉब्स है, प्रेशर है, और पीयर प्रेशर तो क्या ही गए आज के टाइम में भी, और पहले हमारे टाइम पे भी था लेकिन आज के टाइम में सबसे अलग लेवल पे कि आप सोशल मीडिया पे भी उस पे क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म के साथ साथ जो उसके जो नेगेटिविटी है उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है उसके बारे में प्लीज उन लोगों को एक मैसेज दीजिएगा। और यहाँ से देखिए बोलिएगा तो बहुत पर्सनल हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्ते। आप सब जो भी मुझे देख रहे हैं, स्पेशली जैसे सर ने बात की लड़कियां, माताएं, बहनें, मैं तो इनके साथ जेंडर बायस ना हो के सबके लिए ही बात बोलूँगी कि आजकल अगर सोशल मीडिया के कुछ प्रॉज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं, और कॉन्स को इग्नोर करना भी मुश्किल है क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुड थिंग इज़ कि ये वो चीज़ है जहाँ पर आपका एक जो छोटा सा पैशन है वो आपको पहचान दिला सकता है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आज के टाइम में अगर आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो। अगर आप घर के एक कमरे की 4 दीवारी में भी बैठे हैं और अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं सो सिर्फ आपके शुरू करने की देर है और देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मैं यही कहूँगी कभी भी हौसला ना हारें और अपने स्पिरिट्स को हमेशा हाई रखें। सिचुएशंस हमेशा अप एंड डाउन चली रहेंगी, वो मेरे साथ भी चलती हैं, वो सबके साथ चलती हैं। दैट इज़ लाइफ, जो उतार चढ़ाव है, लेकिन उसमें आप खुद सेल्फ एक्नॉलेज करके कैसे आगे बढ़ती हैं या बढ़ते हैं वो चीज़ मायने रखता है। और मेरी तरफ से आप सभी को यही प्रेरणा रहेगी कि कितने भी सालों गुजर जाएं अपने पैशन का पीछा कभी ना छोड़ें, चाहे आप उसे 10 मिनट ही क्यों ना दें लेकिन वो काम ज़रूर कीजिए जो आपको खुशी देता है। बीट सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग यू लाइक, तो आप उस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा समय देकर करें। उससे आपको क्या होगा कि वो जो 80% आप बाकी काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोग्रेस और आपका जो एक एफिशिएंसी है वो डबल हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ अपनी मनपसंद का काम कर रहे होंगे। अपने बच्चों को भी कभी ना रोकें, मैं स्पेशली ये कहूँगी पेरेंट्स के लिए भी मेरे पास एक मैसेज है छोटा सा देने के लिए कि उनसे पूछें। नो डाउट आप उनके फ्यूचर के लिए वरीड हैं, इसलिए आप उनको शायद कभी कभी थोड़ा सा प्रेशराइज भी करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, दिस इज़ गुड फॉर यू। मैं यही कहूँगी अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से कि नो डाउट जॉब सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप एक मौका अपने बच्चे को उस चीज़ में करने के लिए दे सकते हैं जो उनका पैशन है, तो आई थिंक कि वो उससे बेटर कर सकते हैं जो कि वो उस थोपी हुई चीज़ से या फिर जो उन्हें ज़बरदस्ती में करनी पड़ रही है उससे नहीं कर पाएंगे। होगा क्या कि एक तो मेंटली उतना उसमें अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे और साथ ही साथ उसका जो एफिशिएंसी होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। सो बेटर इज़ कि अपना सब ध्यान रहे, आप हमेशा खुश रहें, जो भी काम कर रहे हैं बस खुशी से कीजिए। आई थिंक अगर आप खुशी से कोई भी काम करते हैं तो उसको सक्सेस एक ना एक दिन मिल ही जानी है। बहुत बढ़िया। एक आखिरी जाते जाते सवाल, लाइफ में एनी रिग्रेट्स अभी तक? नो, नॉट एज सच। हाउ डू यू टेक लाइफ, किस तरह से देखती हैं लाइफ को एज इन होल? आई थिंक लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड और जहाँ पे सिर्फ बैलेंस बनाने की जरूरत है, दैट इज इट। एंजॉय एवरीथिंग, यस एंजॉय, बी हैप्पी। आई थिंक इफ यू आर हैप्पी नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। वो ये अभी बोलते हैं जैसे पहले बोलते थे ये गरीब व्यक्ति है, मैं बोल रही हूँ मैंने अपने घर में बहुत गरीबी देखी है, तो उस गरीबी को देख के छान वाले घर देखे हैं हमने, छरीरे वाली रोटियां खाई हैं, तो वो सारा जो बचपन में मैंने चीज़ें देखी है और वहाँ से इस यहाँ तक आने की जर्नी, मैं शिवनूर को भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ों से इंस्पायर करना चाहती हूँ। एवरी टाइम आई टेक समथिंग फॉर हर, मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा इसको कमाने में बहुत मेहनत लगती है, डोंट थिंक कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड है कि बस मांगा तो मिल गया। तो नो डाउट दे आर लकी कि उनको आज मिल रहा है ऐसा, लेकिन उसको कमाने में क्या एक मेहनत लगती है उस चीज़ को उठाने के लिए, वो लोगों के लिए बहुत एक इंस्पिरेशनल जर्नी रहती है। तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी है, जो लोएस्ट से लोएस्ट हो सकता है ना, क्या ही हो सकता है, बोलते हैं गरीबी सबसे खराब चीज़ है आज के टाइम में, तो वो गरीबी से देख के मैंने देखा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और उस वक्त अगर आप में वो एक स्पिरिट आपकी हाई है, आप खुश हो, आप फिर भी भगवान का धन्यवाद कर रहे हो इस लाइफ के लिए कि एटलीस्ट मेरे पास वो सांसें हैं जो शायद वो भी किसी को नहीं मिल रही है। जिस दिन आप इन एक एक सांस को एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे और हैप्पी रहना शुरू कर देंगे, लाइफ विल टेक यू टर्न अराउंड, बिल्कुल डिफरेंट बदल जाएगी। और नो डाउट हमेशा एक नेवर एंडिंग चीज़ है कि कभी थैंक्स करना ना भूलें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप अपने से ऊपर वाले को ना देख के अपने से नीचे वाले को देखना जिस दिन शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में खुद ही खुशी के कारण बन जाएंगे। पर्सनली यू सीन लाइक एन इंडिविजुअल, जिससे अगर सब कुछ छीन भी लिया जाए तो भी वो हार नहीं मानेगा, वो दोबारा खड़ा, हार तो नहीं माननी चाहिए, कुछ खड़ा हो नहीं हो बेशक वो भी बिल्कुल भगवान की मर्जी है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास लगातार रहना चाहिए। यस बिल्कुल, और प्रयास से कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल ही जाते हैं। तो भगवान पे भरोसा रखिए, प्रयासरत रहिए और कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। जैसे निधि शर्मा ने जी कहा है, यहाँ पे निधि शर्मा जी आप आए, आपने अपना समय दिया, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि जब लोगों तक ये पहुंचेगा आपकी कहानी भी पहुंचे, और उसके साथ साथ वी बिलीव कि अगले 1 साल में हम आपको दोबारा बुलाएं, क्योंकि कुछ नया होगा, कुछ नया बात करने के लिए होगी। लेकिन अभी आपने समय दिया, और पंकज भाई आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनूर को बहुत सारा प्यार, और आशा है आप इसी तरह हिमाचल, अपने परिवार, हिमाचल और पूरे देश को गौरवान्वित करती रहेंगी। थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली मैं आपकी जो आशाएं हैं उस पर जरूर खरा उतरूंगी, और अगर नहीं भी उतर पाई तो भी कोई बात नहीं है। सी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट 100% और 200% आई विल ट्राई। और आप भी हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए हमेशा, और जिंदा दिली से जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।